में अहिर रेजिमेंट की मांग की थी, क्या है पूरा मसला? अहिर रेजिमेंट की मांग कोई मैं नया थोड़े कर रहा हूँ, अहिर रेजिमेंट की मांग बहुत पुरानी है, बहुत समय से चल रही है, आंदोलन चल रहा है उसको, अहिरों का हक है, वो उनको मिलना ही चाहिए। और मैं भी जब चुनाव में गया था आजमगढ़ तो वो भी अहिरों का ही गढ़ है, वहाँ मुझे घेर लिए और पूछने लगे कि भाई तुम राजनीति में आ गए, हम लोग का हक दिलाओगे? जरूर दिलाएंगे। ये मोदी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार में सबको हक मिला है तो अहिरों को क्यों नहीं मिलेगा? और मैं जब यहाँ आया तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी से, हमारे रक्षा मंत्री जी से, हमारे गृह मंत्री जी से मैंने यही कहा कि सेना में अहिर रेजिमेंट होना चाहिए, बनना चाहिए। तो अब जो है, जो हाल ही में पूरा देश देख रहा है, जो चिरकुटाई चाइना कर रहा है बॉर्डर पे, तो मुझे लगता है कि ये सही समय है अहिर रेजिमेंट का गठन कर दिया जाए, क्योंकि अहिर रेजिमेंट का नाम सुन के ही चाइना की रूह कांप जाएगी। यही मैंने संसद में भी कहा था, उसका कारण है 62 में जब चाइना ने भारत पे आक्रमण किया था तो रेजांगला चौकी पे 124 वीर अहिर तैनात थे। हमारे पास हथियार भी उपयुक्त नहीं थे, लड़ाई लड़ने के लायक नहीं थे, लेकिन जब गोलियां खत्म हो गई, हथियार खत्म हो गए, तो इन वीरों ने चाइना को पटक पटक के मारा, पत्थरों पे उनकी खोपड़ी तोड़ दिया, उनकी हड्डियां तोड़ दी। और आज भी अगर वो जीवित होंगे तो उनकी हड्डियां दुखती होगी और वो अपने सेना को यही बताते होंगे कि अहिरों से बच के रहना, अगर सीमा पे जाना भी तो अहिरों से थोड़ा दूर रहना, क्योंकि वो पटक पटक के मारते हैं, दौड़ा दौड़ा के मारते हैं, इसलिए अहिर रेजिमेंट की जरूरत है। तो चाइना क्या है आपकी नजर में? चाइना तो वायरस है, पूरी तरह से वायरस है। देखिए ना कैसे घुसने की कोशिश कर रहा है, हम तो नहीं कहीं घुसने की किसी के अंदर जा रहे हैं, हम तो जहां है वहां है, पर ये जो है जब देखो तब घुसने की कोशिश करता है। तो इसको, इस वायरस का इलाज है अहिर रेजिमेंट का बूस्टर, तत्काल अहिर रेजिमेंट का गठन किया जाए, देखिए इसका इलाज हो जाएगा।